यूं तो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने शर्मिला टैगोर और मुमताज जैसी कई बेहतरीन अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन शेयर की है, जिन्हें लोगों द्वारा बेहद पसंद भी किया गया। लेकिन आपको बता दें, राजेश खन्ना और डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी भी किसी से कम नहीं रही। इस जोड़ी ने भी एक साथ कई फिल्मों में काम किया और दर्शकों का खूब दिल जीता। बता दें, राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती साल 1979 में आई फिल्म अमरदीप में पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे। इसके बाद इस जोड़ी ने एक साथ करीब 7 बेहतरीन फिल्मों में काम किया और दर्शकों के बीच एक अलग जगह बनाई। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती की एक साथ रिलीज होने वाली तमाम फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप ये जानेंगे कि इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पे क्या रिजल्ट रहा। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस जोड़ी की एक साथ रिलीज हुई तमाम फिल्मों के बारे में। नंबर एक, अमरदीप। 18 मई साल 1979 को बड़े पर्दे पर रिलीज की गई फिल्म अमरदीप वो पहली फिल्म है जिसमें डिस्को डांसर के नाम से मशहूर अभिनेता मिथुन बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे आर कृष्णमूर्ति। इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रवर्ती और राजेश खन्ना के अलावा शबाना आजमी, विनोद मेहरा, देवेन वर्मा और बिंदु जैसे कई दिग्गज कलाकार देखने को मिले थे। बता दें, ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के स्ट्रगलिंग डेज की फिल्म है जिसमें वो एक सपोर्टिंग रोल निभाते नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म अबव एवरेज साबित हुई थी। नंबर दो, डिस्को डांसर। 17 दिसंबर साल 1982 को रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर वही फिल्म है जिसके बाद से मिथुन चक्रवर्ती को डिस्को डांसर के नाम से पुकारा जाने लगा। इस फिल्म के निर्देशक थे बब्बर सुभाष और इस फिल्म में राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती के अलावा किम, गीता सिद्धार्थ और ओम शिवपुरी और करण राजदान जैसे कई दिग्गज कलाकार अभिनय करते नजर आए। बता दें, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से सुपर हिट साबित हुई थी। साथ ही ये फिल्म रशिया में एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर तीन, अशांति। 7 मई साल 1982 को रिलीज हुई फिल्म अशांति भी उन्हीं फिल्मों में शुमार है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती राजेश खन्ना के साथ अभिनय करते नजर आए। बताते चले, इस फिल्म के डायरेक्टर थे उमेश मेहरा और इस फिल्म में राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती के अलावा जीनत अमान, शबाना आजमी, जीवन, परवीन बाबी और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार अभिनय करते नजर आए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म अबव एवरेज साबित हुई थी। साथ ही ये फिल्म 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 7वें स्थान पर रही थी। नंबर चार, आर पार। 22 नवंबर साल 1982 को बड़े पर्दे पर रिलीज की गई फिल्म आर पार में भी राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ अभिनय करते नजर आए। बता दें, इस फिल्म के निर्देशक थे शांति सामंत और फिल्म में हमें राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती के अलावा उत्पल दत्त, मंदाकिनी, रंजीत और सदाशिव अमरापुरकर मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म एवरेज ही साबित हुई थी। नंबर पांच, दुश्मन। 12 मार्च साल 1990 को आई फिल्म दुश्मन को शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित किया गया जिसमें राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, आलोक नाथ, रंजीत, सदाशिव अमरापुरकर और दीपा साही समेत कई कलाकार अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग का जलवा बिखेरते नजर आए। लेकिन इतनी जबरदस्त स्टार कास्ट होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो गई। नंबर छह, नसीहत। 25 जुलाई साल 1986 को रिलीज की गई फिल्म नसीहत में हमें राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती के अलावा शबाना आजमी, दीप्ति नवल मुख्य किरदार में दिखाई दिए। बता दें, इस फिल्म के डायरेक्टर थे अरविंद सेन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म सुपरहिट थी। नंबर सात, ओम शांति ओम। 9 नवंबर साल 2007 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म ओम शांति ओम आप सबने देखी ही होगी। इसे डायरेक्ट किया था फराह खान ने और इस फिल्म में स्पेशल अपेयरेंस दिए थे मिथुन चक्रवर्ती ने। बता दें, इस फिल्म में राजेश खन्ना की किसी पुरानी फिल्म की फुटेज यूज की गई थी, इसलिए फिल्म राजेश और मिथुन चक्रवर्ती की गेस्ट अपेयरेंस वाली फिल्म है। साथ ही ये वो फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और राजेश खन्ना आखिरी बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दिए। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, किरण खेर और नितेश पांडे समेत कई बड़े कलाकार अभिनय करते नजर आए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और इनमें से कौन सी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं? आप उन फिल्मों का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।